राजमा को आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले कढ़ाई में एक से दो चम्मच ऑयल का डाल लेना है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक छोटा चम्मच जीरा डालकर भून लो अब यहाँ पर जीरा चटकने लगा है यहीं पर हम इसमें डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने बारीक काटा है इसे आप लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे देखिए प्याज हमारा भून गया है यहीं पर मैं डाल रही हूँ जिंजर और गार्लिक इन्हें भी मैंने थोड़ा बारीक ही काटा है आप चाहे तो इसकी जगह जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही दो तो कटी हरी मिर्च भी डाल लेंगे और इन सबको एक साथ चलाते हुए भून लेंगे जब ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाए तब यहीं पर आप इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर पका लें लेकिन मैं इसमें टमाटर का पाउडर डालूंगी जिसका टेस्ट एकदम टमाटर जैसा होता है इसलिए मैं उसे बाद में डालूंगी फिर सभी सूखे मसाले ऐड करेंगे जैसे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डाल लें सभी मसाले डालने के बाद इन्हें कुछ सेकंड के लिए भून लें और फिर डाल दो वाइट पींस मैंने इन्हें पहले से ही हल्का सा नमक डालकर उबाल कर रखा था उसके बाद राजमा डालेंगे इन्हें भी मैंने उबाल लिया था यहीं पर डाल रही हूँ मैं ये टमेटो पाउडर ज़्यादा तो उसे डालने की जरूरत नहीं होती हम सब घर में जो खाना खाने वाली चम्मच होती है ना बस यही मैंने दो के करीब डाली है और टेस्ट पीस का ठीक था उसके बाद अपने अनुसार नमक डाल लो और फिर डाल देंगे पानी पानी ना आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ही पकाना है फिर कर देंगे मिक्स, इसे मिक्स अब इसे ढक्कन से कवर कर दे और 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दे जब तक कि अच्छे से ना आपस में घुल मिल जाए अब ढक्कन हटाकर इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे ज़्यादा सा धनिया पत्ता अब आप इसे गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब